सल्तनत उस्मानिया की जंग में शमूलियत से पहले जापान अलाइड पावर यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया की तरफ से चीन और पैसिफिक में जर्मन अमला पर कब्जा करते हुए जंग का हिस्सा बन गया था। 1914 के इख्तिताम तक पहले क्रिसमस त्यौहार की निशानदेही एक दूसरे को हिम्मत देते और नो मेंस लैंड में फुटबॉल खेलकर की गई, द डेथ जोन बिटवीन द ट्रेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुसव्वर मुर्तजा और वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ इरर लिस्ट वार। वर्ल्ड वार वन को 5 माह हो गए थे। बल्कन्स में छिड़ी एक मामूली जंग ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया था। तकरीबन 10 लाख फौजी इसका शिकार बन गए थे। सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर लड़ रहे थे अलाइज से, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, बेल्जियम और जापान। मशरकी मुहाज पर पोलैंड और बाल्टिक में रूसी फौज को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी जंग जारी थी। उसके बरक्स ऑस्ट्रो हंगेरियन ट्रूप्स भी नुकसान पे नुकसान उठाए जा रहे थे, जिसकी वजह से फौजियों ने सर्बिया को शिकस्त देने में नाकामी का मुजाहरा किया। दुनिया की पहली बैटल ऑफ स्ट्रेटजिक कंपेन में जर्मनी ने बरतानिया पर बमबारी के लिए फिजाई जहाज भेजे, जिन्होंने किंग्स लेन और ग्रेट यरमूथ के बंदरगाहों को निशाना बनाया, जिनमें कुछ घर और 4 शहरी भी हलाक हो गए। गैलीपोली में ज़मीनी अलाइड दस्ते, जिनमें ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड के ट्रेंड मिल्ट्री मैन जिन्हें एनजॉक्स कहा जाता था, मुतहरक हुए। उनका मकसद ये था कि साहिली फोर्स को वहां से निकाला जाए जो अलाइज की जंगी जहाज़ों को कुस्तुनतुनिया तक पहुंचने में रुकावट साबित हो रहे थे। लेकिन तुर्की की शदीद मुज़ाहमत का सामना करने के बाद वो खुद ही पीछे हो गए। जंग के मैदान में लैंडिंग से कुछ दिन पहले उस्मानवी सल्तनत ने अपने सरहदों के अंदर आर्मेनवी तहजीब के लोगों का कत्लेआम या कुछ मुनज़्ज़म तरीके से उनको मुल्क बदल करना शुरू कर दिया था, जिससे आर्मेनियन जीनोसाइड का आगाज़ हुआ। लाखों मर्द, ख़वातीन और बच्चे शाम के सहराओं में मरने के लिए छोड़ दिए गए। अटलांटिक में बरतानवी पैसेंजर लाइनर जहाज़ जो न्यूयॉर्क से लिवरपूल की तरफ निकला था, जर्मन यू बोट्स की तरफ से बगैर किसी वार्निंग के तबाह किया गया, जिसमें 28 अमरीकियों के साथ साथ 1070 बरतानवी मुसाफिर मारे गए। यूएस प्रेसिडेंट वेड्रो विल्सन ने धमकी देते हुए जवाब मांगा, लेकिन बजाय इसके कि जर्मनी कंपनसेट करता, इसरार पे इसरार कर रहा था कि यह जहाज़ फेयर टारगेट था जिसमें ब्रिटेन मिलिट्री सप्लाई स्मगल कर रहे थे। मई में मगरबी मुहाज पर जर्मन लाइंस को तोड़ने के लिए अलाइज ने सेकंड बैटल ऑफ आर्टवाइस, जिसमें फ्रांस की तरफ से विमी रिज और ब्रिटेन की तरफ से आर्कर रिज और फेस्टोबर्ट पर हमला किया गया, जिसकी वजह से अलाइज ने 1,30,000 हलाकतों के साथ बहुत नुकसान बर्दाश्त करते हुए सिर्फ चंद हज़ार गज आगे होने में कामयाब हुए। इस गर्मी के मौसम में मगरबी मुहाज के ऊपर फोकर आइन डीकर की मदद से जर्मनी ने हवा का काबू अपनी तरफ कर लिया था। यह पहला तैयारा था जिसमें मशीन गन हवा में इस्तेमाल की जा सकती थी। ये सब एक नई इजाद की बदौलत मुमकिन हुआ, द इंटररप्टर गियर। जब यह जंग शुरू हुई थी तो इटली को सेंट्रल पावर्स के साथ जंग में शमूलियत लेनी थी, लेकिन बजाय इसके कि वो जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी के साथ जंग में शामिल होता, उसने गैर जानबदारी का फैसला किया था। क्योंकि इटालियन हुकूमत को यकीन था कि सेंट्रल पावर्स की हिमायत से उसको वो इलाके हासिल नहीं होते जो वो चाहती थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रो हंगरी की मलकियत में थे, जो कि इटली का पुराना मुखालिफ था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ने इटली को टेरिटोरियल गेन का लालच दिया। हेंस इटली ज्वाइंड द अलाइज एंड ओपन अ फ्रंट एट अल्प्स। मशरकी मुहाज पर ज्वाइंट ऑस्ट्रो हंगेरियन और जर्मन फोर्सेस का जारहाना हमला रूसी फौज के दिफा को तोड़कर ज़मेशिल पर दोबारा कब्जा करने में और 1,00,000 रूसी कैदियों के साथ रूसी फौज को शिकस्त देने में कामयाब हो गए थे। ये सब रूसी फौज के खिलाफ मुसलसिल पेशकदमी का आगाज़ था। रशियन फोर्सेस ने पोलैंड को छोड़कर जनरल रिट्रीट शुरू कर दी थी।
इसी दौराने में 5 अगस्त 1915 को जर्मन फौज वारसा में दाखिल हो गई थी। ये देखकर रूसी बादशाह निकोलस II ने फौज के कमांडर इन चीफ ग्रैंड ड्यूक निकोलस को बरतरफ करके कमांड खुद ही संभाल ली। जैसे जैसे रशियन बादशाह शिकस्त के ज्यादा करीब होता जा रहा था, वैसे वैसे छोटी छोटी फौजी बगावतें उभरने लगी। उधर एक बार फिर अटलांटिक में एक और मुसाफिर लाइनर जहाज एसएस अरेबिक पर यू बोट्स की तरफ से हमला कर दिया गया, जिसमें 44 बरतानवी मुसाफिरों के साथ साथ 3 अमरीकी भी मारे गए। इन रेस्पॉन्स अमेरिका की मजीद वार्निंग्स जर्मनी की तरफ भेजी गई। सितंबर की शुरुआत में फ्रांस का हमला 3rd बैटल ऑफ आर्टवाइज और 2nd बैटल ऑफ शैम्पेन में और ब्रिटिश का जहरीली गैस की मदद से लोस पर हमला जारहाना था। इब्तदाई कामयाबियों के बावजूद ये हमले जर्मन डिफेंसेस को नहीं तोड़ पाए और हर तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अलाइड ट्रूप्स एक नया महाज सेंट्रल पावर्स के खिलाफ खोलने और सर्बिया की मदद करने के लिए सोलोनिका ग्रीस में उतरे, लेकिन देवर टू लेट। बल्गेरिया ज्वाइंड द सेंट्रल पावर्स। उसके बाद ऑस्ट्रो हंगरी ने बल्गेरिया की मदद से 2 ही महीनों के अंदर सर्बिया पर फतेह हासिल कर ली। इसी सर्दियों में द रेमिनेंट ऑफ सर्बियन आर्मी अल्बेनियन पहाड़ों से भाग गई। उनके नुकसानात होलनाक थे। इस वक्त तक 75% सर्बियन आर्मी मारी गई थी, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनी नेशन। गैलिपोली कंपेन क्या थी? आयरिश रिपब्लिकन ने ब्रिटेन के खिलाफ क्यों बगावत की? हुसैन बिन अली, जो उस वक्त शेरिफ ऑफ मक्का थे, अलाइस की चाल में कैसे फंस गए? ये सब जानेंगे एरर लिस्ट वार सीरीज की अगली किस्त में। तब तक के लिए, इफ यू आर विथ मी, आई एम व्हाट आई एम।